हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम करेंगे नया टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लाइगेंड्स। लाइगेंड्स बच्चों कई तरीके के रहते हैं। लाइगेंड्स कैन बी, नंबर वन, इट कैन बी सिंपल आयन, जैसे आपने देखा है क्लोराइड आयन हो, सोडियम आयन हो। लाइगेंड मोस्टली नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए हम सोडियम को नहीं मानते, बट द सिंपल आयन्स दैट यू गेट विल बी द लाइगेंड। सो इसलिए मेटल जो होता है, सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है, सो कैन नॉट बी लाइगेंड। सो यहाँ क्लोराइड आयन विल बी अ लाइगेंड। सिमिलरली वी हैव सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हमने देखा है इट कैन बी अमोनिया, इट कैन बी वॉटर, एंड बोथ ऑफ दीज आर दी न्यूट्रल लाइगेंड्स। थर्ड आप देखेंगे लार्ज मॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल्स में देखो, जैसे आपके पास है CH2, CH2, NH2 thrice, वन, इस तरह के मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। इन सबका नॉमनक्लेचर कैसे होगा वो हम सारा डिस्कस करेंगे। सिमिलरली देखो NH2, CH2, CH2 खाली NH2, दिस इज कॉल्ड एज डाई इथीन डाई अमाइन। नॉमनक्लेचर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक नॉमनक्लेचर ही रहेगा। और बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी लाइगेंट के फॉर्म में मिलते हैं। जितने भी सिंपल आयन्स होंगे उसके अंदर आपको देखो क्या होगा, आइदर दे विल, जितने भी सारे आपके लाइगेंट्स हैं, चाहे वो सिंपल है, स्मॉल है, लार्ज है, मैक्रोमोलिक्यूल है, ऑल विल हैव वन और मोर डोनर एटम फॉर कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल मेटल एटम। CMA, राइट। सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ने के लिए या तो सिंपल लाइन जैसे क्लोराइड है, अमोनिया है, वाटर है। देखो अमोनिया के पास भी एक लोन पेयर है, वाटर में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, यहाँ देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास। सो इट मीन्स दे विल हैव वन और मोर ऑफ द डोनर एटम्स इन द मॉलिक्यूल। सो दिस काइंड ऑफ एटम्स और द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज लाइगेंड। अरे बहुत सारे लोग इसको लिगेंड्स भी बोलते हैं, सो यू कैन हैव व्हाटएवर प्रोनंसिएशन यू वांट टू हैव। सो सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं इनको बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द डोनर एटम। हमने कहा कि लिगेंड्स वो होंगे जिनके पास कोई ना कोई डोनर एटम होगा इलेक्ट्रॉन्स देने का या लोन पेयर देने का। तो अब देखना हमने ये है कि इसके बेस पे किस तरह के हो सकते हैं। इसके बेस पे अगर हम बात करें बच्चों, तो इट इज यूनिडेंटेट या हम इसे मोनोडेंटेट भी कह देते हैं या फिर ये हो सकता है डाइडेंटेट या जिसे हम लोग बाइडेंटेट भी कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज पॉलीडेंटेट। सो पहले शुरू से करते हैं इसको, एक एक को सारा नॉर्मली देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिडेंटेट क्या होते हैं। जैसा कि इसका नाम है, कोई एक एटम होगा जो लोन पेयर दे रहा होगा। सो यहाँ कह सकते हैं द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज फॉर्म बाय द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वन डोनर एटम। अब वन और डोनर एटम आपको एक लोन पेयर देगा, बहुत सिंपल सी बात है। सो जैसे ओनिया है, एटलीस्ट जो वन दे रहे हैं, यहाँ देखो डोनर एटम एक होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन तो दे नहीं सकता, ऑक्सीजन देता है। अब इसे लोन पेयर्स के साथ कनेक्ट नहीं करना है कि एक लोन पेयर दे रहा है, मिनिमम वन, इट कैन बी मैनी, मगर एटम एक ही होगा, ठीक है। सिमिलरली क्लोरीन, ये देखो ये यहाँ पे क्लोरीन देगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन देगा। सिमिलरली O2 नेगेटिव में भी ऑक्सीजन है, NO2 नेगेटिव में नाइट्रोजन है, सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन है। यूजुअली क्या होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वही कॉन्ट्रीब्यूटिंग एटम भी होता है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखो, C6H5N विच इज कॉल्ड एज पिरिडिन, कॉमन नेम है उसका पिरिडिन, और इसको जब हम लिखेंगे तो PY के नाम से लिखेंगे।
इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एटम कौन है? नाइट्रोजन. नाउ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सिमिलरली वी हैव एनओ. एनओ के अंदर देखो कॉन्ट्रीब्यूटिंग एटम कौन है? नाइट्रोजन, उसके पास लोन पेयर अवेलेबल है. सिमिलरली ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के पास अगर आप देखोगे तो फॉस्फोरस के पास लोन पेयर होगा. ठीक, सो जस्ट राइट डाउन, इट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. सो दिस इज वॉट, जहां कम से कम एक एटम जो है वो कॉन्ट्रीब्यूटिंग एटम हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड्स और लाइगेंड्स. सिमिलरली वेयर आर सर्टन मोर लाइगेंड्स, यूनिडेंटेट के अंदर ही हम बात करते हैं, देयर इज अनदर लाइगेंड विच इज कॉल्ड एज एम्बीडेंट लाइगेंड और लिगेंड. एम्बीडेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसके पास दो एटम्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो कभी एक से कंबाइन करता है कभी दूसरे से कंबाइन करता है. जैसे देखो, वी हैव लेट अस से SCN. नाउ SCN इसमें सल्फर भी पार्टिसिपेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है. तो अब देखने वाली बात है कि कौन कंबाइन करता है. सो सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स और द लिगेंड्स दैट कैन कंबाइन विद आइदर ऑफ डोनर एटम आर कॉल्ड एम्बिएंट लाइगेंड, एम्बिएंट लाइगेंड. देखो अगर मान लीजिए ये एक मेटल है, इस मेटल के साथ दिस मेटल के साथ सल्फर रिएक्ट करता है अगर, तो एस सी एन बॉन्ड बनेगा. अगर नाइट्रोजन रिएक्ट करता है तो एन सी एस बॉन्ड बन सकता है. दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं. सिमिलरली NO2 में देखो, अगर इसके साथ नाइट्रोजन कंबाइन करता है तो ये बॉन्ड भी बन सकती है MnO2 के साथ, और दूसरी बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ भी बन सकती है. लुक एट इट. सो यहाँ पे दो एटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कंबाइन एक ही करता है ये यूनिडेंट ही, लेकिन दोनों चेंज हो सकते हैं, राइट? सच काइंड ऑफ लिगेंड आर कॉल्ड एज एम्बिडेंट लाइगेंड. सिमिलरली देखो, M के साथ N भी कंबाइन कर सकता है, M के साथ O भी कंबाइन कर सकता है. सो दिस इज वॉट थायोसाइनेट, दिस इज आइसोसाइनेट, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्राइटो N, दिस इज नाइट्राइटसो. यहाँ तो आपको पता ही है NO, नाइट्रोसिल, और इसका नाम भी हम लिख सकते हैं नाइट्राइटो O. अगर नाइट्रोजन से कंबाइन करता है तो नाइट्राइटो O N, अगर ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O. समझ गए बच्चों? आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है. तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको. एक और कंपाउंड ऐसे ही बन सकता है. देखो मेटल के साथ अगर कार्बन और नाइट्रोजन कंबाइन करता है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज द साइनाइड ग्रुप. और अगर नाइट्रोजन कंबाइन कर जाए इसके साथ तो दिस इज कॉल्ड एज आइसोसाइनेट, आइसोसाइनाइड. यानी कार्बन के साथ कंबाइन करता है तो साइनाइड, क्योंकि सी एन इज साइनाइड, और यहाँ आइसोसाइनाइड बन जाएगा. सो इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन चेंज होगा तो नाम भी चेंज हो जाएगा. सो सच काइंड ऑफ यूनिडेंट लिगेंड्स आर कॉल्ड एज एम्बिडेंट लिगेंड्स. नेक्स्ट लिगेंड आपके पास आता है डाइडेंटेट एंड बाइडेंटेट. दोनों का मतलब एक ही है. यहां पर क्या है? लिगेंड्स हैविंग टू डोनर एटम्स सो कैन कोऑर्डिनेट टू सेंट्रल मेटल एटम एट टू पोजिशंस. यानी दो एटम हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और दोनों ही कंबाइन कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड्स. एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों. जैसे आपके पास है ऑक्सिलेट आयन. अभी ऑक्सिलेट आयन का फॉर्मूला क्या रहता है? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. अगर यहाँ एच लगा देंगे तो ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा, अगर यहाँ ना लगाएं तो ये आयन बन जाएगा, करेक्ट? सो दूसरा आपके पास कौन सा आता है? सी एच टू NH2, that is diene, diethyl diamine. This is called as
इथाइल, दो कार्बन है, इथाइल डाई अमाइन, शॉर्ट फॉर्म में इसे ई एन भी लिखते हैं। और अगर इसका आई यू पी एस सी नॉमनक्लेचर देखोगे तो क्या होगा, वन कार्बन टू कार्बन, सो यू विल से दैट ईथेन 1.2 डाई अमाइन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है अमाइन, इट विल हैव मोर इम्पोर्टेंस, सो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है, सफिक्स जो है वो अमाइन का लगेगा। सो इथेन जो है इट इज़ द प्रिंसिपल चेन एंड दिस इज द सेकेंडरी सफिक्स और द फंक्शनल ग्रुप। एक और आपके पास इसी तरह से आता है बच्चों, सी एच टू, एन एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ, एंड देन दिस इज द साइनेट आयन, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइसिनेट आयन। अब इस ग्लाइसिनेट आयन में देखिए आपके पास एक तो ये नाइट्रोजन है और ये एक ऑक्सीजन है, सो देर आर टू डिफरेंट एटम्स दैट आर गोइंग टू कम्बाइन एंड एट टू डिफरेंट पोजिशंस, सो दोनों ही कम्बाइन करेंगे आपके आयन के साथ। यहाँ देखिए ये भी नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन भी है, दोनों कम्बाइन करेंगे। यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों कम्बाइन करेंगे, सो दिस इज कॉल्ड एज बाईडेंटेट और डाईडेंटेट लिगेंड्स। अभी डाईडेंटेट में आप देखोगे तो दो तरह के हैं, एक है आपके पास सिमेट्रिकल और एक है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में एग्जांपल देखो ऑक्सलेट आयन की, जब दोनों एटम डोनर एटम सेम है, बोथ और द टू डोनर एटम आर सेम, दोनों के दोनों डोनर एटम सेम हो जाए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल के एग्जांपल ये देखो, व्हेन टू एटम्स, टू डोनर एटम्स आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होंगे तो उसे हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स। सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द ग्लाइसिनेट आयन, राइट? सो ग्लाइसिनेट आयन इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ डाइडेंटेट। लास्ट हम देखते हैं इसमें पॉलीडेंटेट। जैसा कि इसका नाम है, पॉलीडेंटेट का मतलब अगर दो से ज्यादा एटम्स कोऑर्डिनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, द लिगेंड्स हैविंग मोर देन टू डोनर एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, उन लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड। अभी ये पॉलीडेंटेट भी बच्चों कई तरीके के बनेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दो प्या की कहानी खत्म हो गई। इन पॉलीडेंटेट को हम बनाते हैं ट्राईडेंटेट, देन यू हैव टेट्राडेंटेट, देन फर्दर ऐसे ही पेंटा हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा, सो इस तरह से इट विल कीप ऑन मूविंग, जैसा कि हम लोग नॉमनक्लेचर में भी करते हैं, है ना, ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नैनो, ठीक है, एंड डेका, सो इस तरह से ये भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सो ट्राईडेंटेट टेट्राडेंटेट पेंटा एंड हेक्सा, ट्राई में आप समझ गए होंगे जहाँ पे तीन एटम्स इन्वॉल्व होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी ट्राईडेंटेट की, वी हैव डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। सो ट्राईडेंटेट में डाईथाइल ट्राई अमाइन, जिसका शॉर्ट फॉर्म डी आई ई एन लिखते हैं। टेट्राडेंटेट में ट्राईथाइल टेट्रामाइन, यानी चार नाइट्रोजन, क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर नाइट्रोजन एटम्स विल बी अवेलेबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद सेंट्रल मेटल एटम। ट्राईथाइल ट्राईमाइन में तीन नाइट्रोजन कंबाइन कर रहे हैं। पेंटा के अंदर आप देखो क्या है, इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसीटेट, यानी कि तीन तो आपके पास एसीटेट के ऑक्सीजन के एटम्स आ जाएंगे और डायमाइन है दो नाइट्रोजन के एटम होंगे, तो पांच हो गए, सो दिस इज पेंटाडेंटेट। देन यू हैव हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट के अंदर बच्चों एक बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है, दैट इज ई डी टी ए, दिस इज कॉल्ड एज इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। सो कैसे कंपाउंड बन रहा है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। डाईथाइलिन डाईअमाइन इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट। सो यहाँ पे देखो चार ऑक्सीजन के एटम और दो नाइट्रोजन के एटम विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद द सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म द बॉन्ड्स।
इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है बच्चों, चीलेशन एंड डेंटिटी, डेंसिटी नहीं डेंटिटी, चीलेशन एंड डेंटिटी मतलब व्हेन पॉलीडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड्स यूजेस इट्स टू और मोर डोनर एटम टू कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल मेटल एटम देन इट इज कॉल्ड चीलेशन. चीलेशन में बच्चों वैसे क्या होता है, एक रिंग बन जाती है और जो लाइगेंट ये रिंग बनाता है दैट लाइगेंट इज कॉल्ड एज चीलेटिंग लाइगेंट. उस लाइगेंट को चीलेटिंग कह देते हैं और जो कंपाउंड बनता है उसे हम चीलेट बोलते हैं और जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं चीलेशन. और जैसे कि मैंने बोला कि इसके अंदर जो रिजल्टिंग आपको कंपाउंड मिलता है द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स हैज अ रिंग, यानी कि जिसके अंदर लाइगेंट मिलके एक रिंग बना दे समझ जाइए वहाँ चिलेशन हो गया. जैसे EDTA है वो बनाएगा आपका रिंग, ऑक्सलेट आयन है वो भी चिलेशन कॉज करेंगे, कार्बोनेट आयन है कार्बोनेट आयन भी चिलेशन करेंगे क्योंकि देखो कार्बोनेट के पास भी दो ऑक्सीजन है जो बाइंड करेंगी, ऑक्सलेट के पास भी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव. तो देखो ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो दे विल फॉर्म अ रिंग. सो दिस काइंड ऑफ लाइगेंस दे आर कॉल्ड एज चिलेशंस, चिलेटिंग लाइगेंस. इवन योर EN दैट इज द इथाइलीन डायमाइन ये भी एग्जाम्पल देखो अटैचेस टू कॉपर पॉजिटिव. मान लो कॉपर टू पॉजिटिव के साथ ही कंबाइन करता है, एग्जाम्पल देखते हैं. सो दिस इज वॉट कॉपर यू हैव गॉट. ठीक है अब इसके साथ क्या होगा, देखो NH2 CH2 CH2 NH2 इट इज़ गोइंग टू कंबाइन. तो देखो एक रिंग यहाँ बन गया है. सिमिलरली ये एक और के साथ कंबाइन करता है. पॉइंट ये है कि यहाँ पे दो कार्बन दो इथाइल डायमाइन लगे हैं, ठीक है, और ये दोनों के दोनों रिंग फॉर्म कर रहे हैं. लुक एट इट, दिस इज वन रिंग, दिस इज द सेकेंड रिंग. सो सच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज चीलेट कॉम्प्लेक्स. और कितने लाइगेंड्स लगे हैं उसे हम बोलते हैं डेंटिटी. तो नंबर ऑफ लाइगेंड और द लाइगेटिंग ग्रुप्स और द चीलेट्स, नंबर ऑफ द चीलेट्स इंडिकेट डेंटिटी, यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बनने वाली है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड. सो हम आम भाषा में क्या कह सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय चीलेशन, चीलेशन इज रिंग फॉर्मेशन. रिंग का फॉर्मेशन करना कॉम्प्लेक्स में इज कॉल्ड एज चीलेशन. सब आप यहाँ देखो यहाँ पर एक ग्रुप ये लग रहा है एक ग्रुप ये लग रहा है, सो इसका मतलब हाउ मेनी चीलेट्स और द लाइगेटिंग ग्रुप्स आर कनेक्टिंग टू. सो इसकी डेंटिटी क्या होगी, टू. सो दिस विल बी डेंटिटी विल बी टू. नंबर ऑफ द लिगेंड्स कनेक्टिंग इज कॉल्ड एज डेंटिटी. सो सिमिलरली अब देखो आपके पास एक और है कंपाउंड प्लैटिनम के साथ अमाइन ग्रुप कंबाइन कर रहा है डायमाइन, ये इसके साथ एक रिंग बन गया, लुक एट इट. सिमिलरली नाउ इट हैज क्लोरीन, नाउ इट हैज क्लोरीन. नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज अ चीलेट और अ चीलेशन इज गोइंग ऑन. अब देखो क्या है, दो तरह के कॉम्प्लेक्स बन गए आपके पास, या तो आपके पास बनेंगे हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, दूसरे आपके पास चीलेटिंग लाइगेंड्स.
अब ये जो कंपाउंड है ये हेट्रोलेप्टिक है, क्यों है? क्योंकि देखो एक तरफ क्लोरीन लगे हैं और एक अलग लाइगेंड लगा है, यानी टू डिफरेंट लाइगेंड्स आर देयर। इसीलिए टू डिफरेंट कौन से हैं, एक क्लोरीन है और दूसरा आपके पास क्या है, इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, सो दो लाइगेंड लगे हुए हैं, इट इज हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड। दूसरी चीज, इट इज ऑल्सो अकीलेशन बिकॉज देर इज अ रिंग फॉर्मेशन इज गोइंग ऑन, सो इट इज अ डाइडेंटेट बिकॉज टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर डोनेटेड बाय डोनर ग्रुप। सो यहाँ पे देखो एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, सो इट इज डाइडेंटेट। सिमिलरली यहाँ देखो एक दो तीन चार, तो यहाँ पर कितने हैं, चार हैं, सो वी कैन से यहाँ पे इसकी डेंटिटी टी फोर है और यहाँ पे डेंटिटी क्या है, टू। टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय द एटम्स विल फॉर्म द डेंटिटी, सो इट इज अ डाइडेंटेट चिलेशन। कौन बोला, प्लैटिनम वाला कंपाउंड है ना, सो डाइडेंटेट चिलेशन। सिमिलरली वी विल हैव ट्राइडेंटेट चिलेशन। देखो जैसे इसमें क्या है, तीन लोन पेयर मिलने चाहिए। प्लैटिनम में अगर हम एक तरफ हमारे पास है नाइट्रोजन, देन इथाइल इलीन, इथाइलीन डायअमाइन, ठीक, इथाइलीन डायअमाइन की चिलेशन हो रही है। दूसरी तरफ आपके पास एक और आ जाए, दैट इज लुक एट इट राइट, और यहाँ पर भी CH2 एंड CH2, ये हाइड्रोजन हट जाएगा एंड इट विल हैव अ बॉन्ड ओवर हियर। सो नाउ लुक एट इट, एक सर्कल ये बन गया और एक सर्कल ये बन गया, सो यू हैव टू रिंग्स ओवर देयर और एक ही क्लोरीन एटम है। सो तीन नाइट्रोजन के एटम्स हैं विच आर गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। सो ऐसे चिलेटिंग जो लाइगेंड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो आप देखो तीन सिग्मा बॉन्ड्स बन रही हैं बिकॉज ऑफ वन सिंगल लाइगेंड, ठीक है, थ्री डोनर एटम है इसके अंदर। तीन नाइट्रोजन है इन डाई इथाइलीन डायअमाइन, दैट इज DIEN। देखो कैसे बना, ये सिंप्लीफाई करके बताते हैं आपको। दिस इज नाइट्रोजन, एक इसके साथ कनेक्टेड है और दूसरा इसके साथ। नाउ दिस इज दिस वन, दिस नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, देखो इसका एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, एक इथाइल मिथाइल इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप, करेक्ट। नाउ दिस इज कनेक्टेड टू अनदर अल्काइल ग्रुप एंड दिस इज कनेक्टेड टू अमोनिया एंड NH2, दिस इज कनेक्टेड टू अनदर NH2। अब देखो ये भी एक लोन पेयर देगा, ये भी एक लोन पेयर देगा और ये भी एक लोन पेयर देगा, टू वॉट, द सेंट्रल मेटल एटम, जो कि कौन है, प्लैटिनम। सो सच काइंड ऑफ लाइगेंड इज कॉल्ड एज ट्राइडेंटेट। सिमिलरली टेट्राडेंटेट हो जाएगा, अगर यहाँ पर भी CH2 क्लोरीन ना होता और यहाँ एक और अमोनिया का ग्रुप लग जाए एक अकेल, तो ये टेट्रा बन जाएगा। देखो कैसे, टेट्राडेंटेट। प्लैटिनम है, प्लैटिनम के साथ एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा भी नाइट्रोजन और चौथा भी नाइट्रोजन है। नाउ दिस इज व्हाट NH, ऑल्टरनेटिंगली कर लेते हैं, ये भी NH हो गया, CH2 CH2, ठीक है, दोनों का NH NH एंड CH2 आ गया। नाउ दिस इज कनेक्टेड टू अनदर CH2, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू CH2, लुक एट इट, ये बन गया एक कंपाउंड। नाउ यहां देखिए, ये भी CH2, ये भी CH2, क्योंकि ये नाइट्रोजन एक CH2 के साथ और कनेक्टेड है अलॉन्ग विद दिस वन, देर आर टू अल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, यहाँ पर एक ही है, सो यहाँ डाई हाइड्रोजन आ गया, यहाँ सिंगल हाइड्रोजन है, यहाँ भी डाई हाइड्रोजन हो जाएगा एंड इट इज कनेक्टेड टू CH2 जो कि इससे बॉन्डेड है। सो देखो तीन रिंग बन रही है, एक दो एंड द थर्ड रिंग, सो दिस इज वॉट, अगर टेट्रा होगा तो तीन रिंग्स बनेंगी, ट्राई होगा तो दो रिंग्स बनेंगी, डाइडेंटेट होंगे तो एक रिंग बनेगी। मोनोडेंटेट का कोई भी चिलेटिंग एजेंट नहीं होता, सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज ट्राईइन। वो डाईइन है इस शॉर्ट फॉर्म में, इसे हम बोलते हैं ट्राईइन।
अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, चिलेशन का फायदा क्या है हमें? मतलब चिलेट जो इतने भी होते हैं दे आर मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन सिमिलर ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस. Where ligands act as monodentate. अब आप खुद सोचो जहाँ बॉन्ड ज़्यादा बन रही है वो ज़्यादा स्टेबल होगा. नंबर ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है. नाउ दिस इज इफेक्ट इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज चीलेट इफेक्ट, यानी फॉर्मेशन ऑफ चीलेट्स दैट फॉर्म्स दैट गिव्स स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड इज कॉल्ड एज चीलेट इफेक्ट. सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे फाइनली, जितने भी आपके ये चिलेशंस होती हैं, सो द चिलेशन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. ऑल्सो आप कह सकते हो नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म्ड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. पर इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, ठीक है चिलेशन और नंबर ऑफ रिंग्स स्टेबिलिटी देते हैं, एट द सेम टाइम इफ the ligands with large groups are attached it leads to steric hindrance. मतलब जितना heavy group होता है उतना ही ज़्यादा steric hindrance मिलेगी. अगर steric hindrance ज़्यादा होगी तो that what will happen, steric hindrance ज़्यादा होने से stability कम हो जाती है. So if the ligands with large groups are attached, then it due to steric hindrance, it makes compound unstable as compared to analogous ligands containing smaller group. करेक्ट. सो अगर उसके ग्रुप्स छोटे होंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा. जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी यानी कि मॉलिकुलर मास आपके लिगेंड्स का कम होना चाहिए तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स आयन मिल जाए उसका चार्ज निकालना आपको आना चाहिए. लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड आउट चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, बिल्कुल वैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स यूज करते हैं. आई एम जस्ट गोना गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. निकल है with hexammonium and a 2 plus ion is there. तो कैसे पता चलेगा इसका? हमें पता है निकल का प्लस टू होता है, अमोनिया एक न्यूट्रल कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, तो 0 × 6 दिस विल गिव इक्वल टू व्हाट, प्लस टू. सो दैट विल कम प्लस टू आयन. लेट अस से वी हैव कोबाल्ट क्लोरीन एंड अमोनिया. हमें नहीं पता इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा. हाउ विल यू फाइंड आउट? नाउ कोबाल्ट का हमें पता है इसका आय होता है प्लस थ्री, क्लोरीन इज माइनस वन, अमोनिया का जीरो. सो वॉट इज गोइंग टू हैपन, 0 × 5. सो वॉट इज इट, प्लस थ्री माइनस वन प्लस टू, सो द टोटल चार्ज विल बी प्लस टू. सो आप लगा सकते हो कि यहाँ पर आप ये प्लस टू का चार्ज यहाँ लगा देंगे. सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखते हैं कोबाल्ट की ही, उसमें भी आपको आयन्स का चार्ज नहीं बताया है. They have left an blank over here. तो अब आपको चार्ज बताना है. कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए प्लस थ्री माइनस थ्री और अमोनिया का 0 × 1. सो वॉट इज इट, 0. सो जस्ट प्लेस दिस 0 ओवर दिस. एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1. सो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज है दैट इज 0. बिफोर वी मूव ऑन टू द नॉमेनक्लेचर लेट अस जस्ट टेक अप द लास्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज द coordination polyhedron. Coordination polyhedron, जिस तरह से हम लोगों ने क्लास 11 में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, स्पेशल अरेंजमेंट पढ़ा था एटम्स का अक्रॉस द सेंट्रल एटम, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स which are directly attached
to central metal atom is called coordination polyhedron. So, जैसे अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल की देखें तो कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल में हाउ विल बी द स्पेशल अरेंजमेंट? लेट अस से दिस इज द मेटल और इस मेटल के पास एक लाइगेंट ये, एक लाइगेंट ये. नाउ वी नो दैट द डॉटेड लाइन गिव्स अस द अरेंजमेंट अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड द सॉलिड लाइन गिव्स द अरेंजमेंट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. जिसके अंदर क्या होता है कि जो बेस है दैट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड द पॉइंट इज टुवर्ड पॉइंटेड एज और द एपेक्स इज टुवर्ड्स द मेटल एटम. सो दिस इज व्हाट इज द ऑक्टाहेड्रल. सिमिलरली स्क्वायर प्लानर भी देख लेते हैं. स्क्वायर प्लानर का बहुत सिंपल है, मेटल बीच में है एंड देर आर द फोर लाइगेंड्स अरेंज्ड एट द स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होगी? बस वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी हैं. यू मस्ट रिमेंबर दी हाइब्रिडाइजेशन. लेट अस से वी हैव अ मेटल ओवर हेयर इन बिटवीन एंड देन देर इज वन लाइगेंट ओवर हेयर अनदर लाइगेंट एट एनी ऑफ द वन प्लेस एंड देन यू हैव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड देन टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर. ठीक है, दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. सो इट जस्ट एज अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द ऑफ ऑल द लिगेंड्स अराउंड द मेटल एटम. सो अगर हम एक किसी कॉम्प्लेक्स को लेके सब कुछ समराइज करना चाहें तो वी कैन डू इट. लाइक वी हैव कोबाल्ट, क्लोरीन, अमोनिया एंड देन देर इज अ प्लस साइन एंड देन सी एल नेगेटिव. अब इसका नॉर्मल क्लेचर करेंगे तो ये सारे कंपाउंड आयन्स हमें नेम करने आसान हो जाएंगे. पहली चीज़ देखो, दो डिफरेंट तरह के लाइगेंट्स हैं. सो इट इज़ अ हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आयन. ठीक है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ देखो, कोबाल्ट इसमें सेंट्रल मेटल एटम होगा और ये दोनों क्या हैं? दो डिफरेंट लाइगेंट्स और लिगेंट्स. व्हाट इज दिस क्लोरीन? दिस इज़ अ काउंटर आयन और द काउंटर चार्ज. ठीक है जी. अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो क्या है? दो एटम ये हैं, चार एटम ये हैं. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2 + 4, दैट इज 6. तीन डिफरेंट चीज़ें याद रखनी है हमने कि इसके अंदर अगर हम इसकी बात करें, इस पूरे कंपाउंड की, सो व्हाट इज दिस कंपाउंड? दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स एंटिटी. और अगर हम इसको विद दिस ब्रैकेट ले लें, दिस कंप्लीट, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स स्क्वायर. कॉम्प्लेक्स स्फीयर, राइट? यानी विद ब्रैकेट लोगे तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर हो जाएगा. विदाउट ब्रैकेट अंदर का सिर्फ आयन ले रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स एंटिटी. ठीक है जी. सिंस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इट इज गोइंग टू गेट एन अरेंजमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. And the oxidation state of cobalt we can find out, that is x - 2 + 0 × 4. So what is it going? Cobalt ka oxidation state kya ho jayega? Upar plus ka charge hai, so it has to be equal to plus 1. So x will be equal to plus 2 plus 1, that is x will be equal to plus 3. So the oxidation state of कोबाल्ट इज प्लस 3, राइट? लव, इसके साथ ही हमारी जो जनरल डेफिनेशंस हैं ऑफ कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री जो हम बार बार यूज़ करेंगे वो हमने ख़त्म कर दी. अब हम बात करेंगे नॉमनक्लेचर की. अब नॉमनक्लेचर तो हमें पता है, इट इज़ ऑल बाय IUPAC ओनली. अब यहाँ दो चीज़ों की नॉमनक्लेचर करना है. पहला हमें समझना है हाउ टू राइट अ फॉर्मूला और द राइटिंग फार्मूला ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और दूसरा है नेमिंग दैट फार्मूला, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. हमें दोनों चीज़ें समझनी है. तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू राइट अ फॉर्मूला, हाउ टू राइट ए फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो लेट अस राइट डाउन द फॉर्मूला, रूल्स फॉर राइटिंग ए फॉर्मूला ऑफ CC. क्या क्या रूल्स हैं? सबसे पहला रूल है बच्चों, हमेशा चाहे कभी भी कुछ भी लिख रहे हो, राइट द सेंट्रल मेटल एटम. सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाता है, उसका सिंबल लिखा जाता है.
then enlist ligands in alphabetic order. Whether it is unidentate or polydentate, कुछ भी हो आपको हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही देना है. एग्जाम्पल देखते हैं. लेट अस से वी हैव क्लोरीन, वी हैव अमोनिया एंड वी हैव वाटर. दीज आर द लिगेंड्स. सो आप लिखोगे कैसे उसमें? और लेट अस से द मेटल एटम, कुछ भी हो सकता है. सो सबसे पहले आपने मेटल एटम का नाम लिखा एंड देन पुट दीज ऑल द एलिमेंट्स और ऑल द लिगेंड्स इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर. तो ए बी सी डी में सी सबसे पहले, देन वाटर, हाइड्रोजन आएगा क्योंकि क्लोरीन एंड देन हाइड्रोजन एंड देन नाइट्रोजन, सो अमोनिया. सो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा. सो दिस इज वॉट वी आर मीनिंग विद द अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ द लिगेंड. अब मान लेते हैं, इसी में लेते हैं, दिस इज अ फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, इफ लिगेंड्स आर सेम, इफ लिगेंड्स आर विद सेम अल्फाबेट, then ligand with fewer number of atoms are cited first. मतलब example देखते हैं इसमें भी. मान लेते हैं अपने पास एक आ जाता है नाइट्रोजन अमोनिया और एक आ जाता है नाइट्रोजन. अब देखो इसके अंदर भी ये नाइट्रोजन से रिप्रेजेंट हो रहा है और इसमें भी नाइट्रोजन से रिप्रेजेंट हो रहा है. सो नाउ व्हाट शुड बी द ऑर्डर? ऑर्डर विल बी मेटल एंड देन नाइट्रोजन एंड देन NH3. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इन नाइट्रोजन्स मॉलिक्यूल इज लेस देन द अमोनिया. राइट, यहाँ चार हैं, यहाँ दो एटम हैं, इसीलिए एटॉमिक ऑर्डर लिया जाएगा. मान लेते हैं सी पार्ट में चलते हैं. इफ लिगेंड्स आर विद सेम अल्फाबेट एंड ऑल्सो हैव सेम एटम्स, फिर क्या करेंगे? देन द सब्सिक्वेंट एटम decides the sequence. Example इसका भी देख लेते हैं. Let us say we have NO2 negative and we have NH2 negative. अब देखो इसके अंदर ये represent कर रहे हैं nitrogen से, ये भी nitrogen से. इसके अंदर atoms कितने हैं? तीन. और इसमें भी हैं तीन. अब क्या करेंगे हम? Now look at O and hydrogen. So आपको यहाँ O को देखना है और hydrogen को देखना है. सिंस हाइड्रोजन कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, सो वी विल राइट एम NH2 नेगेटिव एंड NO2 नेगेटिव. ये ऑर्डर रहेगा. राइट, इंटरेस्टिंग. समटाइम्स आपको लिगेंड्स अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में गिवन होंगे. इफ लिगेंड्स आर गिवन इन abbreviations, then also follow alphabetic order. जैसे मान लीजिए आपके पास diene given है, आपको ene given है या pyridine given है, तो आप क्या करेंगे? Metal. Now alphabetic order में D comes first, so DIEN, then you will write EN and then you will write PY. Why so? Because alphabetic order में ABCD करें तो D comes first, then E and then P. Right? Important point, for abbreviations, lower case and closed in parentheses, यानि small brackets. Enclosed in parenthesis is used. यानी आप जैसे pyridine है
तो कैपिटल पी और स्मॉल वाई नहीं कर सकते, आपको स्मॉल पी स्मॉल वाई करना पड़ेगा, राइट? कैपिटल पी स्मॉल वाई नहीं, स्मॉल पी स्मॉल पाई फॉर पिरिडिन। और मान लीजिए यू हैव ई एन, तो ये नहीं यूज कर सकते आप, ई एन यूज करना पड़ेगा फॉर इथाइलीन डायमाइन, करेक्ट? सिमिलरली डी आई ई एन विल बी यूज, करेक्ट? नंबर थर्ड रूल, फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट एंटिटी इज ऑलवेज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। जितने भी पॉलीएटॉमिक होते हैं जैसे डाइईन, ईएन, पिरिडिन, ये सब पॉलीएटॉमिक हैं, दे शुड ऑलवेज बी एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। ऑल्सो लिगेंड्स विद एब्रीवेशंस आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। चाहे वो पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स आप लिखते हो, लाइक यू हैव NH2, CH2, CH2, NH2, चाहे तो आप ये कह लो दिस शुड बी इनक्लोज इन पैरेंथेसिस, या आपके पास एब्रीवेशन हो डाईन, ई एन, पी वाई, ई डी टी ए, ठीक है? ई डी टी ए को फार्मूला आप ऐसे ही लिखते हैं, इट्स इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स ओनली, ठीक है? सो इस तरह के जो फॉर्मूले हैं ये सारे आपको पैरेंथेसिस में लिखने हैं। नंबर फोर, नो स्पेस इज गिवन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? पूरी ब्रैकेट के अंदर, यानी ये मेटल है, लिगेंड वन, लिगेंड टू शुड बी इन ब्रैकेट, एंड देन देयर शुड बी लेट अस से कुछ भी चार्ज हो सकता है, सो इट शुड बी विद इन द ब्रैकेट, सो दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हमेशा इसके अंदर ही होना चाहिए। नंबर फाइव, चेंज ऑफ चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज रिटन आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट विदाउट काउंटर आयन। काउंटर आयन डाल दिया तो उसके ऊपर चार्ज नहीं आ सकता, विदाउट काउंटर आयन एज राइट सुपरस्क्रिप्ट, राइट सुपरस्क्रिप्ट। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, वी हैव लेट अस से कोबाल्ट, क्लोरीन, नाइट्रोजन। अब ये देखो ये पॉलीएटॉमिक पॉलीडेंटेट या पॉलीएटॉमिक लिगेंड है, चार एटम है, शुड बी इन पेरेंट्स। लेकिन अगर मोनोटॉमिक डायटॉमिक आते हैं तो उसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। सो वी आर नॉट पुटिंग क्लोरीन इन टू ब्रैकेट्स, बट वी आर यूजिंग ब्रैकेट फॉर अमोनिया, राइट? इसको हमने ब्रैकेट क्लोज किया, नाउ दिस इज द चार्ज, चार्ज हैज टू बी ऑन द अपर राइट सुपरस्क्रिप्ट, चार्ज वन, करेक्ट? एंड द लास्ट पॉइंट, दैट चार्ज ऑफ कटाइन इज बैलेंस्ड विद चार्ज ऑफ अनायन, यानी कि काउंटर आयन जो है वो होना चाहिए, तभी वो बैलेंस होगा। सो यू कैन जस्ट से दैट चार्ज ऑफ लिगेंड, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटी इज बैलेंस्ड विद काउंटर आयन। जैसे हम ऊपर का एग्जांपल ले लेते हैं कोबाल्ट का, दिस इज कोबाल्ट क्लोरीन, देर शुड बी नो गैप, आई एम जस्ट गिविंग दिस गैप फॉर द टाइम बिंग टू शो यू दैट देर इज अ डिफरेंस, अदरवाइज इसमें कोई भी गैप नहीं आएगा, ठीक है? प्लस वन है और यहाँ क्लोरीन माइनस वन है, दिस इज द काउंटर आयन। सो द फाइनल आपका क्या बन जाएगा इफ यू फॉलो ऑल द रूल्स, यू हैव टू कीप इट इन स्क्वायर ब्रैकेट,
कोबाल्ट, देर हैज़ टू बी नो गैप बिटवीन द लिगेंड्स. पॉलीएटॉमिक लिगेंड शुड बी इन ब्रैकेट, शुड बी इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स एंटिटी विद प्लस वन चार्ज व्हेन देर इज़ नो काउंटर आयन. और ये है काउंटर आयन. अगर ये काउंटर आयन भी लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा? कोबाल्ट, क्लोरीन, अमोनिया, क्लोराइड. सो देर विल बी नो चार्ज अगर काउंटर आयन साथ में लिखा गया है. राइट, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट द फॉर्मूला ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ वी कैन डू द नॉमनक्लेचर ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स एंटिटीज और द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. तब तक इतना ही बच्चों, एंजॉय योर सेल्फ एंड मेक योर बेसिक्स वेरी स्ट्रांग. अगर आपको ये बेसिक स्ट्रांग रहेंगे तभी हम आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ऑर्गेनिक्स को बहुत अच्छे से कर पाएंगे. सो कीप स्टडिंग एंड स्टे हैप्पी.